गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं सो ही रहा था, लेकिन सोचा कि आज थोड़ा सा मैं अपना डेली रूटीन का वीडियो बनाऊंगा, तो मैं उठ गया। तो पहले तो गाइस, जो मेरा पहला नज़रिया होता है वो होता है मेरा विंडो से ये वो, तो इससे हवा ठंडा होता है और इससे टाइम बहुत ही ठंडा हवा भी आता है और आप फ्रेश भी होते हैं। तो पहले ये मैं देखता हूँ, उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं क्या करता हूँ कि नहा धो के मैं अपना जो है वो दिन का जो काम शुरू में कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ से शुरू होता है आज का ब्लॉग, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो गया, तो अभी बस थोड़ा सा मैं यहाँ पर जिमिंग करूँगा, जिससे कि आप लोग देख सकते हो ये मेरा काम करने का जगह है जहाँ पर मैं बैठता हूँ और जिमिंग करता हूँ और लिरिक्स जो कॉम्पोजिशन है जो भी है हम लोग यहाँ पर ही करते हैं। एंड सो जाने से पहले थोड़ा बहुत जस्ट है जिमिंग जो कि यहाँ कर हम करते हैं। ओके तो चलिए, और ये जो है मेरा जो छोटा सा लैपटॉप, ये टेबल जहाँ पर मैं काम करता हूँ, जहाँ पर लिखता हूँ, जो भी है जो भी गाने बनते हैं वो यहाँ पर से ही बन के जाते हैं, यहाँ पर ही बनाता हूँ मैं, यहाँ पर ही लिखता हूँ। तो यहाँ पर बैठने से एक फीलिंग्स होता है जहाँ पर आप अकेले अपने कंफर्ट लेवल में होते हो और आप काम कर पाते हो। सो या एंड अभी मैं थोड़ा जिमिंग करूँगा, उसके बाद मैं निकलूँगा जिसके लिए मैं अभी तैयार हुआ हूँ। तो चलिए आप लोग को अपनी जिमिंग में लेके जाता हूँ। ओके तो जैसे कि मेरे जो विंडो की जो बाहर व्यूज है वो ऑटोमेटिकली एक अच्छा वाइब्स देता है, तो इसलिए इतना बोरिंग फील नहीं करता जब आप जिमिंग करते हो। तो जब भी जिमिंग करते हो तो आसपास अगर कोई भी एनवायरमेंटल जो व्यू हो वो अच्छा हो तो और भी आपको जिमिंग करने में वो मदद करेगा, क्योंकि जो आप फील करते हो, जो आप देखते हो, उस चीज़ उससे आप कर पाते हो कुछ नया या फिर कुछ फ्रेश। तो या इसलिए हर रोज ऐसे अगर आप कोई भी फील्ड में काम करते हो, अगर आप गाने में कुछ नयापन लेके आना चाहते हो या फिर आपको लिरिक्स लिखना है अच्छा या फिर आपको एक गाना कंपोज करना है, तो सबसे बेहतर सबसे अच्छा जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा जो तरीका है वो है, आप हर सुबह उठकर कहीं भी जाने से पहले आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें और थोड़ा बहुत ऐसे ही जैम करें। क्या पता अगर आप जैम करते करते कोई भी ऐसा ट्यून आ जाए, कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए जो कि आप अपने अगले गानों में जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसलिए आपको हमेशा जैमिंग करना ज़रूरी है और जैमिंग से ही आपका जो अंदर जो है वो निकल कर आएगा। तो इसलिए आई सजेस्ट आप जैमिंग करो ताकि उस जैमिंग से आपको इम्प्रूवमेंट मिले और आप उस इम्प्रूवमेंट के साथ और भी आगे बढ़ सको। एक्चुअली सभी लोगों को क्या लगता है कि क्या है कि आपको कोई भी गाना बनाने के लिए क्या करना चाहिए, गिटार आना चाहिए या फिर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप सचमुच एक पैशनेबल हो, अगर आपके अंदर पैशन है कुछ भी करने के लिए, तो आई थिंक यू डोंट नीड एनी इंस्ट्रूमेंट। अगर मेरी मानो तो मुझे खुद इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, ये जो मैं थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ, जस्ट एक कॉर्ड थोड़ा बहुत पकड़ लेता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे भी कुछ नहीं आता। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ करने के लिए ठान लो, तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हो दिल से तो आप कर सकते हो। आप टेबल को बजा के या फिर ऐसे कुछ भी बजा के आप गाना बना सकते हो। गाना बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट को सीखना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप कर पाते हो तो डेट विल बी द लाइक आपके अंदर में
जो है, जो छुपी हुई कला है उसको बाहर निकलना है बस। जिमिंग जब आप करते हो तो सोचो मत कि आपके आसपास कौन है, क्या है, मतलब कौन सुन रहा है, क्या कहेंगे क्या नहीं, तो ये सब चीजों को आप हटा दो। जब आप जिमिंग करते हो तो आपके अंदर जो भी है उसको निकालो। कोई भी वर्ड सेंटेंस अगर घटिया हो या फिर सेंटेंस ना मिले, कोई राइमिंग ना हो, कुछ भी हो, आप बस निकालो जो आपके अंदर है, बस उसको निकालो। क्योंकि जेमिंग ही वो होता है कि आप ऑन द स्पॉट क्या निकाल कर गाते हो, क्या निकल कर आप बनाते हो। तो जेमिंग में हमेशा से क्या होना चाहिए कि आपके अंदर जो है उसको निकालना चाहिए। कोई भी कर लिया बात, कोई भी अपने अंदर से निकाल दिया, वही है जेमिंग। जेमिंग में आप कोई भी चीज को सीरियसली अच्छी तरह से, कोई भी हम आंसर शीट से लिखते हैं ना एग्जाम्स में या फिर अपने नोट्स में, तो वो नहीं होना चाहिए। आपकी जेमिंग से क्या होगा, आपकी जेमिंग में जैसे कि वो रैंडमली चीजें जो बाहर निकलते हैं ना हमारे अंदर से, वो होना चाहिए आपकी जेमिंग में। तो आप लोग जब जेमिंग करोगे तो हमेशा उस चीजों को क्या है, आप लोग थोड़ा बहुत देखोगे, उस चीजों को आप ऑब्जर्व करोगे कि आप अपने अंदर से रैंडमली क्या चीजें निकाल रहे हो। कभी कभार कुछ अच्छा निकल जाता है, हमें नहीं पता, तो आप लोगों को जेमिंग करते वक्त वही करना चाहिए। तो ये ही मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। जो अभी मैं गा रहा हूँ ऑब्वियसली ये जेमिंग ही है। मतलब अगर आप कोई भी चीजों को ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग में आप क्या फील करते हो वही गाना है। तो या अभी जैसे कि मैं खुद अभी जो जेमिंग कर रहा हूँ, आप लोग के सामने आप जो देख रहे हो, देख पा रहे हो कि मैं कोई भी चीजें जो है ना ऐसे ही गा रहा हूँ, मतलब रुक रुक के। उसके बाद ये दो तीन लाइन ही होता है, इसको ही जेमिंग कहते हैं। क्योंकि आप पूरा गाना कंटिन्यूअसली नहीं गा सकते, कभी कभार वो नहीं आता वर्ड्स। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके आप जेमिंग करो, अगर अच्छा लगे तो आप उसको लिख डालो। इसलिए आप जब भी बैठो तो आपके वर्क स्टेशन के सामने बैठना है आपको, कि यहाँ पर जो भी आपके मन में आया और कुछ अच्छा निकला और आप लिख उसको लिख डालो, तो वही है। तो ये ज्यादा लंबा हो गया, चलिए तो अभी टाइम भी हो गया, तो अभी हम निकलते हैं। एक्चुअली तो मुझे 8:30 को पहुंचना है नंदन नगर, जहां पर मुझे ट्यूशन देना है। ये मेरा पार्ट टाइम है, एक्चुअली कह सकते हैं कि ये मुझे अपने लाइन में कुछ करना है, मुझे पढ़ाने का जो मन है उसको अपने जीवन में आगे लेके जाना है। तो म्यूजिक अगर आपका पैशन है तो आप उसको पैशन रखिए, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो प्रोफेशनल कर सकते हो, लेकिन म्यूजिक मेरे लिए पैशन है। मैं पैशनेबल हूँ तो मैं म्यूजिक करता हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं पढ़ाने में थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ। तो इसलिए अभी लॉकडाउन है फिर भी शायद करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पेट का सवाल है। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो जैसे कि हमारे कॉकब्रॉक जो अभी फिल्म है, इसमें आप म्यूजिक से अपना पेट नहीं भर सकते, तो आपको कुछ करना पड़ेगा जो आपको अच्छा लगे। तो उसके लिए आपको कमाना पड़ेगा, तो कमाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं करता हूँ कि मैं ट्यूशंस देता हूँ। तो आपको लेके जाता हूँ आज, मैं किस तरह से जाऊंगा और कहाँ से जाऊंगा, क्योंकि अभी सारे जगहों पर थोड़ा बहुत चेकिंग्स हो रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता मैं कहीं पर भी रुकूं और मुझे रुका जाए। तो इसलिए मैं आज शायद आईटी जो भवन है, आईटी भवन अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आज दिखाऊंगा आईटी भवन। तो उस साइड से मैं अगर आज जाऊंगा तो आप लोगों को उसका व्यू मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ओके चलो, एंड चलो जिमिंग जो खत्म हो गया है तो इस गिटार को रखते हैं और अभी जाना है। तो मैं निकलूंगा प्रेयर करके, क्योंकि मैं कहीं पर भी जब भी बाहर निकलता हूँ तो मैं प्रेयर करने के बाद ही निकलता हूँ, क्योंकि जो गॉड है वही हमें बाहर हर मुसीबतों से बचा के रखता है। तो ऑब्वियसली मैं अभी प्रेयर करने के बाद जाऊँगा। चलो ओके।
मैं बस अपना जो डेली जो मेरा डेली जो रहने का जो ढंग है, जिस तरह से मैं अपना पूरा डेली डेज में करता हूँ वो दिखा रहा हूँ बस एक्चुअली। तो मैं एज यूजल क्या है जो मैं करता हूँ आज वही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो वैसे लॉकडाउन से पहले तो बहुत कुछ हम लोग करते थे, लेकिन अभी जो है वो लॉकडाउन की वजह से इतना ही जो है से निकलना, जो है काम करना और फिर से वापस आना वो हो रहा है। तो हाँ मैंने प्रेयर कर लिया क्योंकि मैं हर रोज करता हूँ, कहीं पर भी निकलने से पहले करता हूँ क्योंकि एक वर्ष पढ़ता हूँ बाइबल का क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ। तो अभी जो है हमें निकलना है, चलो। तो आपको क्या चाहिए निकलते वक्त? हेलमेट आप जरूर ले क्योंकि वो आपको सेफली रखता है। तो ये जो है मेरा बैग है, मैं इसको पहन हमेशा अपने पास रखता हूँ। और मैं अपना मास्क तो भूल ही गया, रुकिए आप यहाँ पर। तो ओके गाइस, अभी मास्क भी मिल गया। तो बहुत पहनना जरूरी है, आप लोग भी पहना कीजिए क्योंकि जो सिचुएशन है बहुत ही खराब है, सबको सेफ रहना है हमें, इसलिए हर वक्त मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है। आई सजेस्ट अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए हमें पहनना पड़ेगा। तो चलिए हमें अब रेडी हो चुके हैं, तो चलिए अभी हम रेडी हो चुके हैं, लेट्स गो। तो यहाँ से मैं अपना कैमरा लेके, वैसे मैं कुछ भी बंद करके नहीं जा रहा हूँ एक्चुअली, तो निकलते हैं। जब भी हमारे यहाँ पे लाइक मोटिवेशन के ऑफिस में लोग आते हैं तो ये जरूर दिखाई देता है, ये जो कि है हमारे। ओके, तो अभी मैं निकल के बाहर आप लोग को दिखाता हूँ। तो अभी मैं अपने गेट के सामने बाहर निकल चुका हूँ एंड और ये हमारा गैरेज है। ओह वाव, पता नहीं क्या है। तो चलो मैं अपना साथी देखो ले लेता हूँ, इसने बहुत मदद की मेरी हमारे लाइव में, क्रिएशन के हर शूटिंग्स में इसने ही मदद किया बेचारे। चलो अभी हम निकलते हैं। अभी हम आ गए राधा नगर। तो राधा नगर में आते हो तो मेक श्योर कि आप पेट्रोल भरवा ले। मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, फिर भी मैं पेट्रोल भरवा के जाऊंगा। देख सकते हो कितना भर गया है, चलो जाते हैं। तो गाइस मैंने पेट्रोल भरवा लिया है क्योंकि मैं इधर से नहीं जा रहा हूँ, मैं घूम के जा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरत है और वैसे भी अपना रखना पड़ता है पेट्रोल। और अभी मैं राधा नगर में जैसे कि देख सकते हो ज़्यादा तो लोग नहीं है, लेकिन मैं इधर से जा रहा हूँ और पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है ना कि मैं तो अभी पूछता भी नहीं हूँ, डाल देता हूँ जो भी है 200, 100, 300 का, पूछता भी नहीं हूँ कि लीटर में कितना चल रहा है क्योंकि पूछने का क्या फ़ायदा, आपको चाहिए ही होता है सफ़र करने के लिए। तो चलो मैं डायरेक्ट आशीभवन का रास्ता आप लोग को दिखाता हूँ। तो मैं उधर से नहीं जाऊँगा, आशीभवन में जाने के लिए मैं ये रास्ता अपनाऊँगा। ये रास्ते से आप पहुँच सकते हो, मैं पहले हॉर्जिन कॉलोनी पहुँचूँगा उसके बाद जाऊँगा उधर से आशीभवन के रास्ते में, और उधर से लेके मैं पहुंचूंगा जीबी। यह रास्ता जो है वो बहुत ही, ये जो रास्ता आ गया आपका, जैसे कि आप फॉर्जिंग कॉलोनी को क्रॉस करके ये रास्ता अगर लेते हो तो ये शायद वो आईटी भवन का रास्ते में आप आ जाओगे और यहाँ से आप जा सकते हो जीबी और उसके बाद नंदन नगर, आप कहीं पर भी जा सकते हो इस रास्ते से। तो ये जो सीधा रास्ता है ये लेने के बाद आपको लेना है लेफ्ट, लेफ्ट में लेने से आपको रास्ता अच्छा मिल जाएगा। तो ये रास्ता ले लिया तो ये इंद्रनगर में आ गया, तो ये इंद्रनगर का रास्ता है। चलो सीधा चलते हैं, डायरेक्टली मैं दिखाता हूँ ना आप लोगों को। कभी भी घुमोटी का जो दूध का पैकेज है वो मिलता होगा तो ऑब्वियसली ये ही है घुमोटी का जो फैक्ट्री है, ये देख रहे हो
एक घुमुटी का जो है वो फैक्ट्री है जहाँ पर आपको स्वीट्स भी मिलेंगे, एक घुमुटी का है। और अभी आ गए आप आईटी सेक्शन के पास। ये घुमुटी का जो फैक्ट्री है वो बहुत ही अच्छा है, यहाँ का जो मिठाई है वो भी अच्छा है, काफ़ी खाने में अच्छा है वो। तो ये जो है वो हमारा आईटी भवन है, आप लोग देख सकते हो पास से। चलिए ये आईटी भवन हो गया, देख पा रहे हो कैसा है। तो ये रास्ता पूरा का पूरा वीआईपी रूट जैसा ही है, अच्छा है बिना कोई खड्डे के, क्योंकि रास्ता बहुत ही स्मूथली बनाया गया है इस रास्ते से। तो चलिए अभी हम नंदनगर पहुँचेंगे थोड़ी देर के बाद। तो ये रहा दंडस्को जय, और हम आ गए नंदनगर, आप लोग देख सकते हैं। और मेरा ट्यूशन का जो जगह है वो भी आई है, तो मैं पहुँच ही गया हूँ अभी। तो इस साइड थोड़ा बहुत थोड़ा इतना वो नहीं है, ज़्यादा व्हीकल्स नहीं है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो क्राउड नहीं होने की वजह से ये जगह थोड़ा अच्छा है। और मैं जाऊँगा उधर, मेरा ट्यूशन उधर है। और मैं ट्यूशन में ज़्यादा वो बात नहीं करूँगा, ट्यूशन का जस्ट मैं दिखाऊँगा, ख़त्म करूँगा और आ जाऊँगा। तो मैं इधर पर आता हूँ। तो चलो मैं पहुँच गया इधर, अभी पहुँच गया हूँ इधर, और अभी पर आना पड़ेगा। तो एक घंटा करने के बाद जाना है फिर से, आज थोड़ा बहुत काम है ऑफिस में, तो मिलते हैं। चलो जो अभी लगाम किए के बारे में उनसे बात करनी होती है। चलिए अभी हम जाते हैं, ख़त्म हो गया है। तो अभी बाकी घर में जाके रास्ते में थोड़ा बहुत सामान खरीदने के बाद जो होगा वो आप लोग देखोगे। आज रात तक का डेली जो आज दिन भर का जो काम है वो आप लोग को शेयर करने वाला हूँ हम लोग। तो चलो ओके फाइनली घर पहुँच गया हूँ, और वो थक चुका हूँ। तो अभी क्या है कि सामान वगैरह तो यहाँ पर रख देते हैं जो भी खरीदा है। अभी करना ये है कि हमारा आज एक रिकॉर्डिंग है जहाँ मैं नहीं जा पाऊँगा, तो जहाँ मुझे भी गाइड करना पड़ेगा। तो गाइड करने के लिए हमें गूगल डॉक से शायद या फिर गूगल मीट से ही काम चलाना पड़ेगा। तो मैं अभी लाइव जाऊँगा आरबीएल के स्टूडियो में, ऑलरेडी हमारी टीम आर्टिस्ट है, वो लोग काम कर रहे हैं। तो मैं गाइड करूँगा, जैसे अभी ये ड्रेस चेंज करने के बाद मैं आप लोग को वो भी दिखाऊँगा। तो गाइस मतलब फ्रेश वगैरह हो लिया, अभी करना है काम, मतलब मैं यहाँ से गाइड करूँगा जितना भी हो सके, और वो लोग उधर से वोकल देंगे, मतलब म्यूजिक बनाना है। तो हम लोग गूगल मीट में अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोगों को मैं दिखा दूँ। अभी चलो क्लिप करते हैं इसको। तो ऐसा है, वो लोग उधर अभी काम कर रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से क्या होगा। तो हम लोग अभी कुछ इस प्रकार से बैठे हैं। तो अभी थोड़ा बहुत ऐसा चलेगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसा चला। और उधर का जो फुटेज है वहाँ पर जो लोग वो लोग फुटेज कर रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत दिखाएंगे आप लोगों को। तो ऐसा कुछ होगा आज का। तो मैं सेट हूँ, रेडी हूँ, आज 2-3 घंटा लगेगा हमें यहाँ पर, देखते हैं कितना सपोर्ट करते ये। तो आप लोग को ये गाना जल्दी मिल जाएगा, बहुत ही करीब है, जिसे हमारे को एक खास बैकबोन ने बनाया है। तो चलिए आप बनी रहे। तो वैसे म्यूजिक तो बन रहा है, थोड़ा सा हम लोग रेस्ट लेंगे, क्योंकि हम कंटिन्यूसली वो वीडियो भी बन करके नहीं रह सकते, क्योंकि चार्ज का प्रॉब्लमेटिक होता है, और क्योंकि वो लंबा प्रोसेस होता है। तो उन लोगों को बनाने दो, तब तक आई हैव टू मेक फूड फॉर मी, क्योंकि मैंने कल रात से कुछ खाया नहीं।
कुछ चिकन जो है वो मैंने लाया है और आज मैं वो पकाऊंगा। तो यही चलता है हर रोज सुबह उठना, ट्यूशन है तो ट्यूशन में जाना, उसके बाद फिर से आना, फिर से पकाना, फिर से खाना, और अगर कुछ काम हुआ तो काम करना। काम क्या है, यही है हमारा जो पैशन है। तो अभी कुछ बनाएंगे, चलो वो थोड़ा थोड़ा बहुत मैं दिखाता रहूँगा, तो क्योंकि ये हर रोज जिंदगी का जो रहन सहन है वही यहाँ पर दिखाएंगे। तो ऑलमोस्ट अभी काम करेंगे, चलो। तो ओ ये जो लाए थे वो क्यों नहीं आ रहा, पता नहीं, क्योंकि अभी हम बनाएंगे चिकन। ओके तो चलिए। हमारा जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही अलग होता है, यहाँ पे बहुत अंधेरा होगा, एक्चुअली दिखाई नहीं देगा ज्यादा ठीक तरीके से, क्योंकि ओके ये तो ज्यादा नहीं दिखा सकते। एक्चुअली हमारा बनाने का जो प्रोसेस होता है वो लड़कों का बहुत ही सिंपल होता है, बाकी लोग बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं लेकिन हम लोग इतना वो कर नहीं सकते। तो जिस तरह से बन के हम खा पाए और खाने लायक कुछ बना पाए उतना ही हो जाता है, तो उतना में ही अपना पेट भर जाता है। तो चलिए थोड़ा और काम कर लेते हैं, इतना दिखने से ये अगर मैं इतना दिखाऊंगा तो शायद वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो नहीं चाहिए इतना। चलिए मैं बनाता हूँ, उसका थोड़ी देर के बाद दिखाता हूँ। ओके तो मैंने कर लिया है थोड़ा बहुत, तो अभी क्या है गर्मी की वजह से थोड़ा पसीना हो चुका हूँ, तो अभी बनाएंगे। उसके बाद जब आप अकेले होते हो तो चिकन को थोड़ा बहुत बचाने के लिए आप उसको फ्राई भी करते हो और पकाते भी हो, करी भी बनाते हो, तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। तो अभी चलो मैं इसको बनाता हूँ, मतलब आज शुरू करता हूँ, आज चलाते हुए शुरू करते, और क्या बनाना था मुझे, मैं खुद भूल रह गया। उसके बाद चलो 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 अभी करते हैं इसको ऑन, और ये हो गया ऑन। चलिए इसको अभी ढक्कन देके रखना है फॉर टाइम, एंड ये मैं थोड़ी देर के बाद फिर से फ्राई करूँगा। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, तो बेसिकली नहीं, लाइव माई क्रिएशन का जो ये रेंट प्लस ऑफिस हमने रखा हुआ है वो मेंटेन होता है हमारे मेंबर्स लोगों के साथ, मतलब मेंटेनेंस में हम लोग इसको रखते हैं। हमारे यहाँ पर और एक मेंबर है, और एक मेंबर है जो बाहर रहते हैं, वो वीकेंड्स में यहाँ पर आके काम करते हैं, तो हम लोग मिल के इसको मेंटेन करते हैं। तो यहाँ कुछ इसका नज़ारा इस प्रकार है। एंड फिर से थोड़ी देर के बाद मैं वापस वीडियो कॉल में जाऊँगा, और तो देखना है कितना आगे बढ़ा जो सॉन्ग जो वो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए आज शाम तक, आज के रात तक आप लोग इस ब्लॉग को देखिए, अगर नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग इस ब्लॉग को बनाते ही है हमारे मेमोरीज के लिए, तो इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। चलिए चलो तो थोड़ी देर के बाद वापस हम लोग मिलेंगे। गाड़ी इज राइट, इट्स नाउ बन रहा है, आई थिंक अच्छा तो होगा खाने लायक, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पर भी अपना कैलेंडर लगा के रखा है, देखो हर जगह पर कुछ ना कुछ करके बस लगाते रहो और अपना काम बनाते रहो। और आप लोगों को एक व्यूज दिखाता हूँ इधर से, हम जहाँ पर रहते हैं इतना यहाँ पर वो नहीं होता, इतना बड़ा बड़ा घर नहीं है, तो बड़ी मकान नहीं है, बड़ा घर नहीं है, तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट भी कूल है, और इधर से हवा बहुत टेस्ट का आता है और फ्रेशिंग होता है। या ओह ये ऑलरेडी डन विद द फोर्थ, सो ये बन चुका है, अभी इसको थोड़ा बहुत रखते हैं एंड आई विल हैव फूड आफ्टर दैट। सो ताबुक ऑलरेडी आफ्टरनून में खा एंड ओम है टाइम होंगे, ऑब्वियसली आई एम फिल्म नाइट जब एंड देन अगेन ऑल ऑफ डाउन जरा होंगे सारी को किसा सा रेस ना हो एंड आप तो और संगे सारी को ओम है के नो दिन पार नहीं था
चीनी चीनी जे म्यूजिक एंग खाई ले तो परफेक्टली गान हम के नहीं तो होपफुली नो दक्षिण खाई मानना है नहीं एंड बस अभी वही इंतजार है कि कब हम लोग वो रिलीज कर पाएंगे, पता नहीं कब होगा, लेकिन कल फाइनल वोकल होगा। उसके बाद 25 जून को तो ऑब्वियसली हम लोग एक वीडियो रिलीज करेंगे, वो सबके लिए स्पेशल होगा, हमारे जो भी टीम मेंबर्स हैं, आई थिंक नॉट ओनली फॉर आवर टीम मेंबर्स, वो सब के लिए ही आई थिंक स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि उस दिन कुछ अलग ही होगा। तो अभी मैं देख रहा हूँ वसीपुर, जो कि बहुत ही धमाल का फिल्म है, ऑब्वियसली बिना देखे वो रहा नहीं जाता। हाँ जी तबुक जस्ट अमुक ऐसे थुना नहीं बगे इतना सीना एंड शारी को है ना है मारे फिर ब्लॉग ना कंटिन्यू खाने जस्ट टू कंप्लीट द डे एस इट इज द डे ब्लॉग एंड कॉलम सुगा एकदम सातों वो मार नहीं तो तीनी तब 2 o'clock का तब बच्ची ने 2:30 का ऑलमोस्ट तब बच्ची रिकॉर्डिंग चली तो उनके आंके यंग यंग टीम बॉकल रोहित तो लाइक नीनी बैग आनी हम जाक मार चंचल तोंगे शे तीनी चिंले बाक्षा ओके आंके यंग टीम के गाय खाए हो रहे तो उनको वो यंग बॉकल दाई तो आई होप पीपल विल लाइक इट लाइक जो दिन आई कैन की कॉल्स आगे वो किसान पार लुभी माने ने ताबुक आंख ना रहना है ओके सो वेट 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 आई होप खाना खाना के ओम है कि संगाइड खा ले तो सो नाशिक तो दी सो गाइस 3-4 घंटा पूरा गर्मी में हमने रिकॉर्डिंग करा, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ गाइडलाइंस देना पड़ा, तो मैंने थोड़ा रेस्ट लिया। तो फाइनली अभी शाम हो चुका है, तो अभी फ्रेश होऊंगा मैं, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा मैं अपनी यहाँ से हमारे जो ऑफिस है यहाँ से जो व्यूज़ है कि इवनिंग टाइम में किस तरह से वो हमें देखने को मिलता है वो आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत दिखाऊंगा। ठीक है चलो वो होगा। तो मैंने अभी अभी क्या है नहा लिया और थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया, तो अगर मैं भी अगर व्यूज दिखाऊंगा तो आज शायद मैं सनसेट जो है वो नहीं देख पाया, पर एक शाम का गाना भी तो ज़रूर है, तो बस थोड़ा बहुत दिखा दूँ। उसके बाद मैं हर रोज़ ऐसे टाइम में टेरेस पर थोड़ा बहुत जाता हूँ और उस वहाँ जाके थोड़ा बहुत अपना टाइम स्पेंड करता हूँ या फिर अपने ग्रुप के मेम्बरों के साथ बातें करता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा बस मैं दिखाऊँगा अभी। तो यहाँ से अगर हम नज़ारा देखें तो शाम जो हमारे यहाँ पर है कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। आज सनसेट नहीं है तो हाँ इस तरह से ही गुजारा होता है आजकल। तो मैंने ले लिया है वापस गिटार, एक शाम का गाना तो बनता है, तो और ऐसे जब होता है ना ऐसे व्यूज जब आपको देखने को मिलता है ये ऑटोमेटिकली जो ब्लूइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है इट्स सो ब्यूटीफुल। अगर इसको और भी मैं इस तरह से दे दूँ तो और भी ब्लूइस दिखाई देगा, अगर थोड़ा सा ऐसा करते हैं तो ये तो और भी अच्छा दिखाई देगा। तो मैं इसको वापस इतना उधर तो नहीं दे रहा हूँ, फिर भी इतने में ही काफ़ी है। और चलिए शाम का एक गाना ओके जो नया वाला शरी शाल के जागो मले ना है मारो मोई तो दे तुमको जानी ने नो खाता की पीरनी तो थोपी करो मालाई मामूई तो ते तुम जानी ओ चलायो बता ना रंग लंगली याद ना ओ खाजो योई नीनी खाओ बा हम जग मगर गा रिमानो नो माया मैं भूल गया लिरिक्स
ई मांगो भगवान भगवान सुमाया ओ खाचो यो बथा नरंगी याद रंगा ओ खाचो यो ना 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 ओके ब्लैक एंड जिनिस हाफ फोन हाबा ताकि सागौ थे फ्रेस ना चलो ले जाते उधर अभी हम टेरेस पे जाते हैं और मैं ले लिया अपना हेडफोन क्योंकि अभी गाना सुनना है ताकि फ्रेश हो और थोड़ा लाइट बंद करके जाता हूँ। ओके अंधेरा हो गया है मुझे तो लॉक भी नहीं दिखाई दे रहा। ओ वाह ये है यहाँ से व्यूज अलग है। मैं जो जिस फ्लोर पे रहता हूँ हम लोगों का वो थर्ड होता है शायद तो थर्ड फ्लोर से बस ऊपर ही उठना है। एक्चुअली हवा ही कुछ अलग है कुछ अलग ही है इधर का देख पा रहे हो तो ये है यहाँ का नज़ारा। चारों तरफ इतना बिल्डिंग्स नहीं है इसलिए कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है ये। तो मैं यहाँ पर रात के 2 बजे तक ऑलमोस्ट रहता हूँ। कभी कभार हमारे टीम मेंबर्स आते हैं तब भी हम लोग यहाँ पर ही रहते हैं क्योंकि यहाँ पे अलग ही आपको हवा ठीक है मिलता है तो रूम में ज़्यादा गर्मी की वजह से हम लोग यहाँ पर ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। ओके चलो गाइस आर मैं यहाँ से 8 बजे मैं 8 बजे फिर सारी को फैल मानी तब हम के तला था किसे सामो खाई ना फिर आ सामो को वो हम दाग सही माने ओके कौन है दिन पारो वो तब लोग दाग खाए किसे गूगल मीट ना खाई नहीं चल ओके सुन ओ like dum dum fung oh so okay all I do now is some kind of body okay that is it automatically fine wait okay light dinner ma chao we got light the lia obviously it means be like call mong ke ta ki ka chu cha be like jig jig ni tong hana aur sung ta google meet khai nai ke kisa oh my god ta samong ma khayo banner slam na ro भिडियो इडिटिंग जो गूगल मीट सामों में खाई लेब जो मालथर ब्रू नि बगे कैसा जो टास्म मालथर ब्रू सैमे वो हमारा जो म्यूजिक प्रोड्यूसर के बीच वो एक कोच बन सर है हमारा तो भी बगे जो तब खाई लेना क्योंकि वो पहले पुणे में रहते थे अभी जो है वो त्रिपुरा में आ चुके हैं तो ही विल डू द प्रोजेक्ट्स जो कोई भी करना चाहते हैं उन लोग का प्रोजेक्ट वो कर सकते हैं अभी एंड इट्स अवेलेबल नाउ तो अभी वही है उसका कुछ हम बनाएंगे। चलो तो गाइस सी रात को भी ये नज़ारा यहाँ से देखने को मिल जाता है तो ये जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन में मेरा जो बैकबोन है हमारे लाइफ में कृष्ण का धवान एंड ओनली टैलेंटेड सुपर टैलेंटेड का देव वर्मा है एंड मेरे यहाँ पे तो नहीं है इसलिए मेरे स्क्रीन में देखो यहाँ पर देख सकते हो कि मैं खुद हूँ लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी क्योंकि लाइट नहीं होने की वजह से बैकग्राउंड पूरा खाली दिखाई देगा तो दैट्स नॉट द मैटर द थिंग इज काम आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ आज रात तक जो होगा वो बस आप लोग देख पाओगे तो ये किसी ने शायद इतना नहीं बनाया होगा कि माई हाउ माई डे आई यूज टू स्पेंड माई डे अगर कोई ऐसा कुछ ब्लॉग बनाते तो इतना रात तक सुबह से लेकर रात तक कोई नहीं बनाता होगा पता नहीं कितने लोग बनाते लेकिन मैं रात के टाइम तक बनाऊंगा और दिखा रहा हूँ मतलब ये अपने लिए ताकि मैं बाद में बुरा होने के बाद भी देख सकूँ। तो ओके अभी हम काम करेंगे थोड़ा सा सीधी टाप बोमा सुनाए वन फुल सॉन्ग इंक्लूड्स अरे इंक्लूड्स टाइम नहीं था ओके वेट हाय ताक अम ऑलमोस्ट लामी तो बैठे ना अबे ना ना दक्षिण मानना है ओके ओके दक्षिण मानना है
ओके ई कोरो चीनी ओ जगा ओ चंग बाय काने किंग दस्ती माल फरो ब्रो एंग तो मजा तो नसो या ओ माय गॉड मा खले ले लॉकडाउन नि सोंग यो बा म्यूजिक बो माय कैन स्लैम कतिनी सांग ओ माय कैन मा खले यो इनके न आंग बे हॉर जरा करंगी तंग दी दिस इज वन एंड ओनली माय सेल्फ ये नो वर ठंडा ठंडा हाय हाय से लाभ करे ओ माय कैन गान दो सुई डॉक्टर। तो चलो गाइस बैनर वगैरह हमने बना लिया शेयर कर लिया, तो जैसे कि यहाँ तक कोई नहीं देखेगा लेकिन अभी हमें डिनर मुझे डिनर करना है। तो चलो इधर थोड़ा लाइट कम है, मैंने खाना थोड़ा गर्म करना है अभी, हमने पहले ही गर्म कर दिया था तो ये अभी बस रेडी है। तो मैं खाना खाने के बाद थोड़ा सा और काम करूँगा अगर कुछ बचा तो, या फिर कोई डिस्कशन, क्योंकि कल फाइनल वोकल रिकॉर्डिंग है तो ठीक है तो वो दिखाता हूँ। चलिए अभी मैं खाना खाने के बाद फिर से लाइव शुरू करता हूँ, मतलब फिर से ब्लॉग शुरू करता हूँ। हे गाइस इट्स लाइक डबल ऑलरेडी 11 o'clock एग्जैक्ट। सो अभी क्या है ना, खत्म करने का वक्त आ गया है, वो पल आ चुका है जिसके लिए मैंने सुबह से लेके रात तक का जो ये ब्लॉग है जो मैंने बनाया था। तो इट्स डार्क एंड जैसे कि ये जो हमारे रेंट है इसमें वो नहीं है, बेड वगैरह नहीं है, तो वी यूज टू स्लीप हियर। एंड इधर अगर आप वही विंडो को खोलकर भी सोते हो फिर भी मच्छर थोड़ा बहुत आ जाता है, इसलिए इधर मैं सोता ही नहीं हूँ जब मैं अकेला होता हूँ स्पेशली। तो ये रात का सीन है, यहाँ पे हवा आ रहा है ठंडा सा, तो मन ही अलग होता है। तो चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं इसी के साथ, और अगर आप लोग रिकॉर्डिंग करना है तो आप लोग जरूर आ सकते हैं। तो ये ब्लॉग बोरिंग जरूर है लेकिन इतना भी नहीं, ये मैंने अपने लिए बनाया ताकि मैं बाद में जाके इसको रिकॉल कर सकूं और देख सकूं। तो सबा खैर गुड नाइट, चलिए लाइट को बंद करते हैं अभी। गुड नाइट।